सो दिलशेर ऐसा कैरेक्टर है जो म्यूजिक से भाग रहा है, म्यूजिक से डरता है, म्यूजिक से नफरत करता है. तो मुझे एक ऐसा किरदार ही बड़ा चैलेंजिंग लगा कि ऐसा कोई हो भी सकता है कि म्यूजिक उसको ना पसंद हो, क्योंकि मैं अपनी निजी जिंदगी में मुझे म्यूजिक बहुत ड्राइव करता है, मुझे खुश करता है, मुझे दुखी करता है, या जो भी है मुझे इंस्पायर करता है. तो मुझे वो समझना बहुत डिफिकल्ट था. तो वो चाहे वो दिलशेर जो आप सरदार देखते हैं, चाहे वो दिलशेर जो आप वो मोना है सरदार नहीं देखते, एक उसकी रेगुलर फाइट वही है कि वो म्यूजिक से कैसे लड़ता है और उसी के थ्रू अपने आप को डिस्कवर करता है, उसी के थ्रू ही फाइंड्स हिमसेल्फ. व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग वाज मीटिंग समबडी लाइक दिलशेर इन माय फिल्म, इन दिस फिल्म, बिकॉज आई हैव नेवर मेट समबडी इन माय लाइफ हु डज नॉट लाइक म्यूजिक और डजंट लिसन टू इट और एक्चुअली इन हिज केस रन्स अवे फ्रॉम इट. And to me, that was interesting. And yes, maybe you can even call it a challenge. How does Ameera bring that out of Dilshair without actually forcing it on him? And I think that through all the preparations, I actually went to Ashu's brilliant school called the True School of Music for 3 months in preparation for the role. I did a pro vocal course over there for 3 months. And it helped me as a musician, it helped Ameera as a character. But the understanding of what Moses had in mind for this girl, he wanted her to be the personification of music, and besides that being terribly flattering,